तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये हमारी एटम एंड न्यूक्लियाई की क्लास है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से थोड़ा सा आगे की। हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से आगे हमारे पास में और कौन से न्यूमेरिकल टर्म आएंगे। देखिए बच्चों, कल हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो जो 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल होता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, वो जो 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल होता है वो इतनी डिस्टेंस पहले जाके रुक जाता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। या हम लोगों ने इसकी जो कंडीशन बनाई थी वो कुछ ऐसे बनाई थी, जेड ई स्क्वायर, ध्यान से बात सुनिएगा, और नीचे होता है हमारे पास में 2πε0 E के। अब एक प्रॉब्लम तो इसके ऊपर बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट बन सकती है, बिल्कुल डायरेक्ट। अब जैसे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने गोल्ड की फॉइल के ऊपर किया, हो सकता है कि वो क्वेश्चन में वो एक्सपेरिमेंट गोल्ड की फॉइल के ऊपर ना करें, किसी और के ऊपर वही एक्सपेरिमेंट दोहराया जाए। बस इतना ध्यान रखेगा कि जिस भी मटेरियल के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाएगा, भाई अगर हम गोल्ड की फॉइल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जेड की जगह गोल्ड का एटॉमिक नंबर रखेंगे, लेकिन अगर हम किसी और मटेरियल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं तो बस इतना ध्यान रखेगा कि उस मटेरियल का एटॉमिक नंबर हम लोगों को यहाँ रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ यहाँ कॉन्स्टेंट है। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हमें पहले से पता है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पाई एप्साइलन नॉट इनकी वैल्यू हमें पहले से पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोगों को पहले से पता है, तो वेरिएबल अगर कोई यहाँ पर है तो वो सिर्फ जेड है, और जेड को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एटॉमिक नंबर, जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। बस इतना ध्यान रखेगा कि जिस मटेरियल पर भी ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाएगा उसी मटेरियल का एटॉमिक नंबर आप लोगों को यहाँ यूज में लेकर आना है। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे अब मैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखिए पॉइंट नंबर वन क्या है हमारे पास में, मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और मोस्टली स्टूडेंट जिन्हें मैथमेटिक्स या फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल की जानकारी नहीं है वो इस प्रॉब्लम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्राफ की जानकारी नहीं है। ग्राफ की जानकारी के अभाव में प्रॉब्लम छूट जाएगी आप लोगों की, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम पूछी कैसे जाएगी आप लोगों से, कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमें ध्यान देना है बच्चों। देखिए जरा यहाँ पर क्या कंडीशन हमारे सामने बनने वाली है, भाई हम आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, और ये ग्राफ बनता है वाई एक्सिस पर है आर नॉट, वाई एक्सिस पर कौन है आर नॉट, समझ आ रही बात, और एक्स एक्सिस पर है आपके पास में 1/E के, एक्स एक्सिस पर है आपके पास में 1/E के। ये हमारे पास में अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, 1/E के अपॉन में है काइनेटिक एनर्जी, और ये है आर नॉट, समझ आ रही बात। हमने कहा कि भाई ऐसा है, हमने आर नॉट और 1/E के के बीच में ग्राफ बनाए दो अलग अलग मटेरियल के लिए। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा आर नॉट और 1/E के के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो जेड को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। बिल्कुल ध्यान से आपको बात सुननी है, आर नॉट और 1/E के के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो जेड को रिप्रेजेंट करेगा। अब जेड को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, जेड को रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, यानी बात समझिए हमारी ध्यान से यहाँ पर, कि यहाँ से जिसका एंगल ज़्यादा बनेगा उसी का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। अगर मैं इस ग्राफ में बताऊँ तो बताओ इस ग्राफ में किसका एंगल ज़्यादा बन रहा है, Z1 का, सो Z1 का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और Z2 का एटॉमिक नंबर कम है। तो भैया ऐसा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से हम लोगों से पूछा जाता है और वो ये है कि आर नॉट और 1/E के के बीच में ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा
वो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा। आर नॉट और वन अपॉन ई के बीच में जो ग्राफ बनेगा, इसका जो स्लोप होगा वो जेड को रिप्रेजेंट करेगा, और जेड को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एटॉमिक नंबर। समझ आ रही बात? पहला सवाल तो हमसे ये पूछा जाता है कि भाई स्लोप किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप जेड को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि किसका जेड ज़्यादा होगा, किसका जेड कम होगा, उसका आंसर आपके सामने है। जेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, यानी एक्स एक्सिस से, भले ही एक्स एक्सिस पर कुछ भी रखा हो, वन अपॉन ई के है, यहाँ से जो ज़्यादा एंगल बनाएगा, उसी का एटॉमिक नंबर बच्चों ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जेड वन इज़ ग्रेटर देन ऑफ जेड टू, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि Z1 और Z2 का जो रेशो होगा वो tan थीटा 1 और tan थीटा 2 के रेशो के बराबर होगा। बच्चों tan थीटा 1 और tan थीटा 2 के रेशो के बराबर होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर बताता हूँ। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में बच्चों, मैं आपको फिर इसके ऊपर एक एग्जांपल बताऊंगा। ये हमारे पास में फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड की फॉइल पर हम लोग अप्लाई ना करके किसी और मटेरियल पर अप्लाई करते, बस फर्क इतना होता कि हम लोग जेड की जगह गोल्ड का एटॉमिक नंबर रख रहे थे। हम गोल्ड का एटॉमिक नंबर फिर वहाँ ना रखते, जिस मटेरियल पर ये एक्सपेरिमेंट होता उस मटेरियल का एटॉमिक नंबर जेड को रिप्लेस करके हम लोग रखते। बच्चों ये आर नॉट और वन अपॉन ई के बीच में बनने वाला ग्राफ है। छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन हमारा CBSE ऑल इंडिया के अंदर पूछा गया है बच्चों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए। पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर लगाने से दिमाग की बत्ती खुल जाएगी तुम लोगों की बिल्कुल, कि भैया कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। बहुत आइडिया मिलेगा तुम लोगों को, और स्पेशली नीट वाले बच्चों को तो बहुत आइडिया मिलने वाला है। मोस्टली स्टूडेंट नीट वाले ये समझते हैं कि यार CBSE और नीट का जो लेवल है वो अलग अलग है। भैया मैं ये कहूँगा कि CBSE का लेवल ज़्यादा है, नीट का लेवल कम है। अगर पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर आप लगाते हैं ना विद NCERT, तो दो फायदे हो रहे हैं, एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। वो कौन से? बोर्ड एग्जाम तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा बिल्कुल कि आँख बंद करके एग्जाम दे लोगे। पिछले 15 साल के पेपर अगर तुम लगा दोगे और NCERT लगा दोगे तो आँख पर पट्टी बांध कर भी बोर्ड का एग्जाम दे दोगे। इतने बढ़िया तरीके से तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और भैया बोर्ड के साथ साथ नीट के लिए तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो नीट और बोर्ड में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए आप लोग, ठीक है। अब जैसे यहां हमारे पास में प्रॉब्लम बनी, भाई प्रॉब्लम बनी हमारे पास में ये वाई एक्सिस पर है आर नॉट और एक्स एक्सिस पर है हमारे पास में वन अपॉन ई के, और इन दोनों के बीच में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है वो ये ग्राफ हम लोगों का मिला। ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है और ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री है। समझ आ रही बात? सबसे पहले हमें कहा कि भाई ये ग्राफ है तुम्हारे पास में, ये ग्राफ दो अलग अलग मेटल के लिए परफॉर्म किया जा रहा है, यानी आर नॉट और वन अपॉन ई के बीच में ये ग्राफ है। ये वाला ग्राफ ए मेटल के लिए है, जब हमने वो जो गीगर और मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट है वो ए वाली मेटल के ऊपर परफॉर्म किया है तो ये ग्राफ हम लोगों को मिला है, और जब वही एक्सपेरिमेंट हमने बी मेटल के ऊपर परफॉर्म किया है तो हम लोगों को ये ग्राफ मिला है। तो हमें बताना है कि इन दोनों मेटल के एटॉमिक नंबर का रेशो क्या होगा। हम लोगों को ये बताना है बच्चों कि इन दोनों मेटल के एटॉमिक नंबर का रेशो क्या होगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जब आर नॉट और वन अपॉन ई के बीच में ग्राफ बनता है तो ये जो स्लोप होता है ये जेड वन यानी एटॉमिक नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, स्लोप स्टूडेंट स्लोप समझते हैं आप क्या होता है, यानी यहाँ से जो एंगल बनेगा वो हमारा एटॉमिक नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। और एटॉमिक नंबर के रेशो निकालने का बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है हमारे पास में, वो ये है बच्चों, जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू। अब आप देखिए कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 10, थीटा 1 की वैल्यू है हमारे पास में 30 डिग्री। समझ में आ रही बच्चों बात? या Z1 ये इसका Z1 है तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री हमारे पास में, और थीटा 2 किसका है? थीटा 2 हमारा Z2 वाले का है, इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे हम लोग 10 30, 10 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 और 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, और हमारे पास में आंसर आएगा 3 अपॉन 1,
यानी एटॉमिक नंबर का जो रेशो होने वाला है ना स्टूडेंट, वो 3:1 होने वाला है। आपको अच्छे से ये बात ध्यान रखनी है कि भाई एटॉमिक नंबर का जो रेशो हमारे पास में रहेगा वो 3:1 रहेगा। इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, बस इतना ध्यान रखेगा कि आर नॉट, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और 1/EK, EK यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनके बीच में ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अभी गीगर और मार्स डेन की ही बात हो रही है, हम गीगर और मार्स डेन से अभी आगे नहीं बढ़े, हम गीगर और मार्स डेन की ही अभी बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, गीगर और मार्स डेन का जो हमारे पास में दूसरा रिजल्ट आएगा बच्चों, गीगर और मार्स डेन के एक्सपेरिमेंट का जो दूसरा न्यूमेरिकल एनालिसिस है हमारे पास में, जो दूसरा रिजल्ट है, इसका नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इम्पैक्ट पैरामीटर। ध्यान से, ये हमारे पास में गीगर और मार्स डेन का रिजल्ट नंबर 2 है बच्चों। इसे हम नाम देंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। अब देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। ये है हमारे पास में गोल्ड का न्यूक्लियर, गोल्ड एटम मान लीजिए या कोई और एटम मान लीजिए, सब एक जैसे ही होते हैं, और ये इसके न्यूक्लियस में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो है इतना प्लस ZE। न्यूक्लियस के अंदर से जो पास होने वाली लाइन है वो ये हमारी यहाँ है, समझ में आ रही बात। एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है बच्चों। अब जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज है प्लस के 2E, अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस के 2E है, न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो प्लस के ZE है। होता क्या है कि इस अल्फा पार्टिकल को जाना तो सीधा है, लेकिन जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का गैप यहाँ पर कम से कम होगा, मिनिमम गैप होगा दोनों के बीच में। और अगर गैप इन दोनों के बीच में यहाँ मिनिमम है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा, रिपल्शन काम करेगा, वो मैक्सिमम होगा बच्चों, क्योंकि पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का ये वाला जो गैप है ये कम से कम है। अगर गैप कम से कम है तो इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम काम करेगा, और अगर इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स काम करेगा तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से हटके ऐसे निकल जाएगा। मैंने आपसे कहा था, याद करिएगा, 8% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो एक्यूट एंगल से डेविएट होते हैं। लगभग 8% अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो एक्यूट एंगल से, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या काम किया, रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से होकर जाएगा थीटा एंगल के साथ। भाई हम लोगों ने माना बच्चों कि अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो EK थी, समझ में आ रही बात, और अल्फा पार्टिकल यहाँ से चल के आ रहा था। ये सेंटर से पास होने वाली लाइन है, इनके बीच का ये जो गैप होगा ना स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे B, और ये B ही हमारा कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। ध्यान से बात सुनिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये B ही हमारा कहलाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। यानी अल्फा पार्टिकल यहाँ से चल के आ रहा है, ये सेंटर से पास होने वाली लाइन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे हम नाम देंगे B, सिंबल हम लोगों ने इसे जो दिया वो दिया B, और इसी B का नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर। और इस इम्पैक्ट पैरामीटर की जो वैल्यू होती है, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी डेरिवेशन कहीं MSc में जाकर पढ़ेंगे, अगर आप फिजिक्स से MSc करेंगे तो। ठीक है, यहाँ सिर्फ इसका फॉर्मूला है आपके सिलेबस में, और वो ये है, लीजिए साहब, ये है हमारे पास में इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। ये हमारे पास में इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है बच्चों, ये डिस्टेंस हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगी, और फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों। उम्मीद करेंगे कि बात समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान बात है, मुश्किल बात नहीं है। अल्फा पार्टिकल आया और मुड़कर चला गया ऐसे, तो इनके बीच का जो गैप है यही हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगा। अब देखिए आप, कौन सी चीज़ क्या है भाई, Z क्या है बच्चों,
जेड का आप लोगों को पता है स्टूडेंट, जेड है एटॉमिक नंबर, जेड है हमारे पास में एटॉमिक नंबर, ओके। ई के क्या है, ई के, ई के है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ई के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना स्टूडेंट, वो इतनी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चक्कर, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आप अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें कुछ घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 4πε0 हम जानते हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, 1/4πε0 की वैल्यू होती है ये 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2, ओके। और थीटा है हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी पार्टिकल अपने रास्ते से कितने एंगल से हट गया है। पार्टिकल को जाना तो सीधा था, लेकिन यहाँ पहुँचकर रिपल्शन काम किया और यहाँ से हटकर इधर चला गया। ये डिस्टेंस भी इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगी और ये डिस्टेंस भी हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगी। बच्चों ये हमारी गीगर और मार्सडेन की कंडीशन नंबर 2 है स्टूडेंट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद सेकंड कंडीशन है, जल्दी से नोट डाउन करिए। फिर हम थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी गीगर और मार्सडेन की लास्ट कंडीशन है। बच्चों थर्ड कंडीशन जो गीगर और मार्सडेन की लास्ट कंडीशन है, देखिए स्टूडेंट हम लास्ट कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों लास्ट कंडीशन एक छोटा सा नोट पॉइंट है, क्या है जरा ध्यान से देखिएगा भाई। ये है हमारे पास में न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज रहता है इतना प्लस के जेड ई। अब होता क्या है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आता है ऐसे मुड़ के चला जाता है, या अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे मुड़ के चला जाता है, या अल्फा पार्टिकल आता है और उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। समझ आ रही बच्चों बात, यानी जो पार्टिकल मुड़ रहे हैं वो थीटा एंगल से मुड़ रहे हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है बच्चों, समझने वाला पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विद थीटा एंगल, यानी ऐसे अल्फा पार्टिकल के नंबर जो थीटा एंगल से डेविएट हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/sin⁴θ/2 के। ये हमारा एक छोटा सा नोट पॉइंट है बच्चों, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विद थीटा एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4θ/2। मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी एक और कंडीशन मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसकी एक और कंडीशन ये होगी, देखो भाई इतने एंगल से मुड़ने वाले इतने अल्फा पार्टिकल हैं और इतने एंगल से मुड़ने वाले इतने अल्फा पार्टिकल हैं, और उनकी वैल्यू हमारे पास में रहेगी 4θ/2 और यहाँ रहेगी 4θ/1 ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, स्पेशली JEE और नीट वाले बच्चों के लिए, स्पेशली नीट और JEE वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास में, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि इसके ऊपर प्रॉब्लम बनी है। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ बच्चों, मतलब बड़ा आसान है, आप लोगों ने भी पढ़ा, ऐसे बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जो बहुत ज़्यादा एंगल से मुड़ रहे थे। आपने देखा था 8000 में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से मुड़कर चला गया था, यानी बहुत ही कम, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो ज़्यादा एंगल से मुड़ रहे हैं, समझ में आ रही बात। और बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो कम एंगल से मुड़ रहे हैं, तो यही रिलेशन, जो ये रिलेशन है आपके सामने वो इसी बात को बताता है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो ज़्यादा एंगल से मुड़ेंगे और बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो कम एंगल से मुड़ेंगे। ये कंडीशन है हमारे पास में। इसमें एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, आप ट्राई करिएगा और देखेंगे कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखो भाई रिजल्ट ये है, 90 डिग्री से जो डेविएट होने वाले पार्टिकल हैं, 90 डिग्री से डेविएट होने वाले पार्टिकल 500 है, आपको ये बताना है 60 डिग्री से डेविएट होने वाले पार्टिकल कितने होंगे। तो कैसे करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व, वेरी इजी, बहुत ही आसान।
भाई 90 डिग्री से मुड़ने वाले 500 पार्टिकल है, 60 डिग्री से मुड़ने वाले कितने पार्टिकल होंगे? तो देखो इसे मान लेना थीटा 1 और इसे मान लेना एन 1, ये हो गया थीटा 1, ये हो गया एन 1, ये हो गया थीटा 2 और ये हो गया एन 2। हमें एन 2 निकालना है तो हम लिखेंगे एन 1 की वैल्यू हो गई हमारे पास में 50, ओके एन 2 हम लोगों को निकालना है, इधर हमारे पास में आएगा साइन की पावर 4, थीटा 2 की वैल्यू है 60, ये थीटा 2 है हमारे पास में 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ आएगा साइन की पावर 4, थीटा 1 की वैल्यू है 90, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ रही बात? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 की होल पावर 4 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√ की होल पावर 4। सॉल्व तो कर ही सकते हो, सॉल्व कर लेना यहाँ से, एन 2 निकल जाएगा। समझ आ रही बात कि भाई 60 डिग्री से मुड़ने वाले इतने पार्टिकल होंगे, ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। ओके तो इसके साथ हमारा गीगर और मार्स डेन का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। हमने गीगर मार्स डेन का बड़ा डायग्राम आपको बताया, छोटा डायग्राम बताया, 4 मेन ऑब्जर्वेशन उसके बताएं और 3 न्यूमेरिकल एनालिसिस के पॉइंट बताएं। एक का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसके ऊपर ग्राफ का क्वेश्चन कैसे बन सकता है हमने आपको बताया, इम्पैक्ट पैरामीटर हमने आपको बताया और ये एंगल के टर्म में इस तरीके से प्रॉब्लम बन सकती है बच्चों। चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, ओके।